सभी बोलते हैं कि पीडीटी एंजेरिया में मुर्गी फार्म रखने से क्या फ़ायदा होता है, कैसे फ़ायदा होता है। तो अभी आप देख सकते हो कि अभी तो मेरे मुर्गी अंदर है, अभी फार्म के अंदर है, बिल्कुल ये शांत बैठे हैं, हिल रहे डुल रहे कुछ नहीं, चुपचाप बैठे हैं ना, चुपचाप बैठे। देख लो आप, जब उनको हम फ्री रेंज एरिया में रखते हैं ना, पर देखो कितना फायदा है, अभी दिखाता हूँ आपको। अब चलो हम इनको बाहर निकालते हैं, अभी शांत स्वभाव से बैठे हैं ना, अभी देखा निकलने से कितने हो, अभी चलो निकल रहे हैं। देखो ये बाहर जा रहे हैं, देखो ये चले गए। अभी बाहर निकल गए ना, अभी आप देखो अभी बाहर भागेंगे, दौड़ेंगे, फिरेंगे, कूदेंगे, कितने स्वस्थ रहेंगे आपको पता है। सबसे पहले इनका शरीर फिट रहेगा, दौड़ेंगे भागेंगे। देखो उस तरफ जाएगा, देखो पूरे भाग रहे, देखो ये पूरे में फैल गया, देखो ये देखो, तो कितने स्वस्थ रहते होंगे को पता है। ये सिर्फ देसी मुर्गे के लिए है ना, कि कोई और के देसी मुर्गे। देखो ये देखो, ये उस तरफ चले गए, देखो वो गए उस तरफ, दिख रहे ना, वो चले गए पूरे उस तरफ, गए घर की तरफ, गए वो गए। तो ये दिन भर ऐसे भागते हैं ना, तो बहुत स्वस्थ रहते हैं। सबसे पहले तो इनकी कोई बीमारी नहीं लगती है, दिन भर भागने से कोई बीमारी नहीं लगती है। और फार्म के अंदर हमने साफ सफाई की या नहीं की, तो ये जो बीज वगैरह होती है उनकी बदबू इनके नहीं आती है, इनको कुछ दिन में तब निकल गए। हम अब फार्म साफ कर देंगे तो है ना फायदा। दूसरा, जो बाहर रहेंगे ना, तो हमारा फीड का खर्चा बिल्कुल नहीं होता है, फीड यानी खाने का खर्चा। मुर्गी फार्म पालने में सबसे दिक्कत क्या आती है, उसको खाना देने में तो पैसे लगते हैं ना, वो बिल्कुल नहीं आता, ना के बराबर आता है। कि बाहर जाएंगे तो हरे पत्ते भी हैं, कंकर पत्थर, कोई कीड़े मकोड़े, पेड़ों के पत्ते, पेड़ों से गिरे हुए पत्ते, घर का फेंका हुआ खाना, कुछ न कुछ इनको मिलता रहता। देखो अभी तो क्या खा रहे, तो कीड़े से गिरे को आए, देखो खा रहे, देखो वो लग गए उधर, देखो चुग रहे। तो ये तो सबसे दो मोटा फायदा है, एक तो बीमार नहीं होते बिल्कुल, अगर आप फ्री रेंज मुर्गे रहेंगे बिल्कुल बीमार नहीं होंगे, बिल्कुल कोई बीमारी आएगी नहीं उनमें। चलो सर्दी फर्दी वगैरह या लू तो लग सकती है, ऐसी बात नहीं है, या बाहर फिरने से कोई चील है, कुत्ता है, बिल्ली है, वो सांप है, नेवला, वो नुकसान कर सकता है, लेकिन ऐसे कुदरती तौर पर उनकी खुद की बीमारी उनमें नहीं आएगी, जो कि रानी खेत बीमारी है, कई प्रकार की बीमारियां हैं, वो नहीं आती इसमें, बिल्कुल नहीं आती है। आपको कुछ उनको देने की जरूरत ही नहीं है। बाहर फिरेंगे तो अंडों का, अंडे मुर्गियाँ ज़्यादा देगी और अच्छे क्वालिटी के अंडे देगी वो, कि भाई बाहर घूम रहे हैं ना तो कंकर पत्र खा रहे हैं, कंकर पत्र खा रहे हैं तो अंडा तो देगी ही देगी, है ना, फायदा कैसे होता। बाहर घूम घूम के पत्ते, हरी सब्जियाँ, जो मैंने आप सब्जियाँ बो रखी ये भी खाते हैं, ये खा के क्या कि अंडे देती है। अभी आप देख लो बाहर, देखो वो गए पूरे उस तरफ, गए उस तरफ, क्या कंकर पत्थर कल बहुत गिरे, वो पूरे देखो खा रहे, देखो इस रास्ते से चले गए पूरे उधर के। रात को लाइट जलती है ना, तो कीड़े मकोड़े रात को कीटे पतंगे वो आते हैं ना, वो खा के अपना पेट भर लेते हैं। वो चले गए अंदर, तो ये फायदा है उनका। तीसरा फायदा है कि हमारे पास असील मुर्गे हैं, तो हम असील मुर्गे का पालन करते हैं, तो इनको बचपन से ही बाहर छोड़ देते हैं, यानी अभी 2 महीने का हो गया, अब कौवा कौवा नहीं खा पाएगा, तो हम इनको छोड़ देते हैं बाहर। फिर बाहर छोड़ने से क्या है कि वो दौड़ दौड़ के भाग भाग के फिर के इतना मजबूत हो जाता है, इसकी स्टेमिना बन जाती है, उसको अपने आप टर्निंग मिल जाती है। जब वो 10 या 12 महीने का होता है बोलने लायक,
तब बंदा को खरीद के लेके जाता है लड़ाई वाला फाइट कराने के लिए, तो फिर उसका फाइट 100% जीता है, वो 100% फाइट जीता है। क्योंकि वो दिन वो बचपन जो छोटे छोटे बच्चे हैं, तो वो बच्चे काफ़ी बड़े हो गए, ये तब से भागते रहते हैं, तो फिर वो फाइट करेंगे दबा के, मतलब तो बिल्कुल नहीं हारेंगे, वो अगले मुर्गे को बहुत मारेंगे, फटंग फटंग उछल उछल के। तो ये इनका फायदा है। क्योंकि इधर आ गए घर की तरफ तो ठीक नहीं है, तो इधर बिल्ली आ सकती है, दोबारा ऐसी पड़ी है ना, इसलिए वापस इधर कर। देखो ये देखो, देखो हमारे घर की तरफ आ, वापस करने पड़ेगा अंदर, इधर ठीक नहीं, इधर कुत्ता बिल्ली खा सकता है इनको, इसलिए इनको घर से अंदर करना पड़ेगा वापस। और तो नहीं है इधर उधर ना उस तरफ, उस तरफ क्या बिल्ली आ सकती है, दीवार फांद के उधर हमने जाली लगा रखी बिल्ली से बचाव कर रखा है। आप देख सकते हैं झगड़ा बहुत करते हैं, इसलिए इनको भगाना पड़ता है, इधर से इधर एक दूसरे को मार देते हैं। ये जो घास है, घास के अंदर कुछ इनको सूख गया घास, बारिश का मौसम सीजन चला गया ना, सर्दी का गया, तो फिर भी इनको कुछ न कुछ घास के अंदर मिलता रहता है। ये तो घास के अंदर कीड़े वगैरह मिल रहे हैं इनको, वो खा रहे हैं, देखो ना। तो ये है पीरी रेंज जीरे में रखने का बहुत फ़ायदा, पूरे फायदे फायदे, नुकसान कुछ नहीं है। देखो कितने मजबूत मुर्गी है मेरे, देखो असील, देखो कितनी मजबूत मुर्गियाँ हैं, ये देखो, ये देखो आप देख सकते हो, ये छोटे छोटे बच्चे तो छोड़ दिए थे, वही फिर रहे घूम रहे थे, छोटे छोटे बच्चे ना, क्योंकि बच्चे अपने बचपन में छोड़ देते हैं इनको, बस ये दौड़ते रहेंगे भागते रहेंगे। देखो ये देखो, ये देखो बच्चा, उस तरह आवाजें कर रहा है, ये देखो ये देखो असील का बच्चा, देखो ये बहुत डेंजर बच्चा बनेगा, देखो ये देखो ये 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 देखो ये देखो घास ना, घास सा कलर का है ना, ये देखो बहुत जंजर बनेगा ये 100 में से एक बच्चा होता है सर। आपके असली के बच्चे निकला, अच्छे निकले ले, देखो ये पूरे बच्चे देखो कैसे घूम रहे हैं मुर्गी उस। फिर पाँचवा इनका फायदा है, इनको जब कुछ एक साथ रखेंगे ना सभी को, तो आप फिर झगड़ा नहीं करेंगे, जो मजबूत होगा वो उन सबको डराएगा और बाकी वो साथ में घूमते रहेंगे पूरे। ये भी फायदा, तो दो मुर्गे दो उधर घूम रहे हैं, मैंने दिखाया आपको, बाकी देखो उस तरफ घूम रहे हैं मुर्गे पूरे मेरे, बाकी देखो उस तरफ घूम रहे हैं, देखो वो घूम रहे हैं पूरे ऐसे घूमते रहते हैं।
तो ये छोटी जानकारी फ्री रेंज एरिया में रखने का फायदे बहुत होते हैं।